मनोज कम्पटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्रमुख पुरस्कार से है और बहुत ही जबरदस्त वीडियो है और टोटल के टोटल आपको याद हो जाएगा और सभी के सभी जो है हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे। और टोटल पुरस्कार जो है 2020 से संबंधित है, 2020 में जो है जो पुरस्कार मिला है उसी का ये वीडियो हम आपको लाए हैं। हो सकता है एक पार्ट में नहीं पूरा हो तो आप इसके लिए जो है आप दूसरा पार्ट के लिए भी इंतजार आपको करना होगा और इसके बाद जो है दूसरा पार्ट भी हम आपको देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल जो है जबरदस्त वीडियो रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है क्या, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है ये एनएस धर्मसक्टू को मिला है 2020 में। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है आपको हम बताते हैं। गांधी, अंतर्राष्ट्रीय गांधी, यहां पे लिखा हुआ है नेशनल, इनसे आपको इनसे हम अपना याद करने का तरीका बता रहे हैं। इनसे हम लोग को पढ़ना है क्या, नेशनल, नेशनल राष्ट्र यानी राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल के मतलब हम लोग राष्ट्रीय का पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस आपको पता है राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसी के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, एस से सोनिया गांधी। तो इनका जो है, ये सोनिया गांधी जो है ये भारत की नहीं है, पहले जो है इनका जो है इटली के थी और ये भारत में अभी वर्तमान में है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी महिला है जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो जाए धर्म से जो है धर्म का एकदम शत्रु है। कौन, तो ही सोनिया गांधी। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इसलिए कि वो जो है अपने देश की नहीं है, है किसी और देश के। ठीक है, यहाँ वर्तमान में वो अध्यक्ष बनी हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, तो नेशनल यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ये सोनिया गांधी जो है अध्यक्ष है और ये जो है धर्म के एकदम शत्रु है। अब बताइए, धर्म की जो शत्रु रहेगा तो हो सकता है अंतिम में कुष्ठ रोग नहीं हो सकता है, कुष्ठ रोग भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप ऐसा कर्म करें जो योग्य हो और उससे जो है किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें जो भी हम शब्द का प्रयोग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ याद कराने के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। एक आपको आईपीएल जब हम आपको बताए हैं वीडियो, उसमें हम आपको बताए होंगे कि आईपीएल का जो है 2020 का जो मुंबई इंडियंस जीता उसका जो है गेम चेंजर अवार्ड जो है मिला था किसको, केएल राहुल को। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके जो है आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख ले। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। अभी आपको जो है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर छोटे लोग जो है, छोटे बच्चे जो है, जब हम लोग भी छोटे थे तो उस तरह से होता था, जब मान लिया क्रिकेट खेल रहे हैं और एक पीछे से गया, वो बोल रहा है कि हमू खेलबो, तो अभी रुक जाओ, अभी बैठ कुछ देरी, बैठबो को सी अभी खेला, और न खेले में तो हम पीछे पर खड़ी रहो ना, तो पीछे खन दो, गड्ढा खन दो, है ना, इस तरह से पहले होता था। जैसे फिर तुरंत जो है मान लिया विकासवा, विकासवा कह रहा है कोची कि अगर सेफ चाह है, सेफ चाह है, कौन कर ले विकासवा, तो हमारा खिला ले, न तो हम खान देवो कोची के पीछवा के, तो तुरंत जो है गेम चेंज हो जाता, गेम चेंजर अवार्ड। तो एशिया के गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला, तो सेफ विकास खन्ना, याद रखना है सेफ विकास खन्ना, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, तो सेफ विकास खन्ना। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए इनका जो है दो तीन वो पत्रिका है, आपको बताते हैं, केसरी, मराठा और गीता रहस्य, गीता रहस्य, ये सब जो है पूछता है किनका पत्रिका है, पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है,
किनका है? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसको याद रखना है कैसे, ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए कभी कभी जो है इस शब्द का प्रयोग करना पड़ जाता है, इसलिए किताब की आपको याद हो जाए उस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, किसी का नाम है केसरी, किसी का नाम है मराठा, कोई का नाम गीता भी रहता है, कोई का नाम सोना भी रहता है ना। तो यहाँ पे जो है हम आपको याद करवाते हैं, तो इस तरह से याद करवाते हैं कि बलिया धर के तिलक, तिलक है ना, तिलक जो है टीका को भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाल धर के टिक दिया यानी तिलक कर दिया, किसको किसको, केसरी मराठा और गीता, ठीक है। अब देखिए बगलवे में था सोनम्मो, तो सोचा कि काहला चुके जाए, एक रोज टिक देते हैं, है ना। तो बगलवे में था कौन, सोनम्मा, तो इसको भी टिक दिया गया, ठीक है, यानी तिलक लगा दिया गया। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है किसको, सोनम बांगचुक, आपको याद रखना है। इसके साथ में केसरी मराठा और गीता रहस्य जो है पुस्तक उनका पत्रिका था, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस ये पुरस्कार मिला है सी रंगराजन को, सी रंगराजन। देखिएगा पीसी महालनोबिस ये सांख्यिकी से संबंधित है, सांख्यिकी विज्ञान का जो है, ये सांख्यिकी का जो है मैथ में गणित में सांख्यिकी होता है, उसका जनक माने जाते हैं पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो उसमें माध्य माध्यिका बहुलक जो होता है उसी के तहत ये पीसी महालनोबिस सांख्यिकी विज्ञान भी कह सकते हैं, सांख्यिकी का जनक जो है कौन, तो पीसी महालनोबिस, मुख्य रूप से आप सांख्यिकी ही कह सकते हैं, सांख्यिकी का जनक कौन, तो पीसी महालनोबिस, ठीक है। अब देखिए पीसी महालनोबिस यहाँ कह रहा है कोची, पीसी कोची बीस, आपको पता है कि भगवान शंकर जो है बीस भी पी गए थे, है ना। तो उनका जो भी है जैसे भांग पीना है, गांजा पीना है, ये समझिए कि एक तरह से बीस ही है, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन भगवान का कहा जाता है प्रसाद भी है रूप से, अगर ढंग से थोड़ा बहुत प्रयोग कीजिएगा तब, और ज्यादा पीजिएगा तो वो बीस ही है। तो वही कह रहा है पीसी कोची बीस, बीस किसको, भांग को कहते, वहां भांग हम लोग याद रखना है, तब न जो है रंग चढ़ेगा केकरा, रजनवा के, रंग राजन पीसी महालनोबिस रंग राजन, पीसी कोची बीस, कोची बीस भांग, तब न रंग चढ़ेगा केकरा, राजन के। अब भांग कोई पी लेता है तो देखते ना है रंग चढ़ गया, तो रंग राजन। अब देखिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार ये किनको मिला है, परवीन राव को, यहाँ लिखा हुआ क्या, एम एस स्वामीनाथन ये भारतीय हरित क्रांति के जनक थे, एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो मिला किसको, परवीन राव को। देखिए लिखा हुआ क्या, स्वामी जी के नाथम, तो स्वामी जी के नाम को जी था परवीन, तो परवीन राव के स्वामी जी के नाथ है ना, स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 परवीन राव, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आप अभी जो है काफी चर्चित एक सर है प्रवीण सर, जो यूट्यूब पर जो है आप उनको पहचानते होंगे, तो ध्यान दीजिए उनपे जो है उनका चैनल का नाम है इडूटेरिया, ठीक है। तो इडूटेरिया जो है उसका लोगो है क्या कि एक पेड़ जो है इडूटेरिया के नाम, तो वो हरित क्रांति से ही जुड़े हुए थे ना, तो उन्हीं का वही परवीन सर के क्या हुआ कि स्वामी जी के नाथन, आपको पता है कि उनका जो है विवाह हो चुका है ना, तो वो जो स्वामी जी जो थे वो नाथ आ गए, कौन स्वामी जी, परवीन सर। अब ये जानते हैं आप कि स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के जनक थे, तो वो पेड़ लगाएंगे तो हरित क्रांति होगा ही ना, तो इस तरह से याद रख सकते हैं एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 परवीन राव, ठीक है। आगे देखिएगा गणित का एबल पुरस्कार, गणित का एबल पुरस्कार, देखिए कभी कभी जो है आप मेला बाजार में जाते होंगे, छोटा बच्चा देखते हैं कभी कभी जो है गुब्बारा के लिए जो है रोने लगता है, तो उसको गुब्बारा ले दिएगा तो पूरा जो है कभी कभी डाबेगा, कभी खनेने खींचेगा, कभी उधर खींचेगा, इस तरह से है ना। तो जो है वो क्या करता है, गुब्बारा उसको मिल जाता है गणित का एबल पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित में, ठीक है। ये किनको मिला है 2020 में,
देखिए कभी कभी जो है देखते होंगे वो गुब्बारा एक इस तरह से फेंकने वाला होता है, हवा गैस भरा हुआ होता है इस तरह से या फिर इस तरह से रबर वाला धागा बांधा हुआ रहता है इस तरह से, है ना। तो जिसे होता क्या है कि वो जो है मारता है, तो कहता है क्या, मारलिस मारलिस मारलिस, ये गा के हटा दीजिए, मारलिस मारलिस कोची के वही बैलूनमा के तब मार रहा था इस तरह से मारलिस मारलिस। तब जिसे क्या है कि मार रहा है बार बार, हिल रहा है, अरे हिल रे हिल रो, फूट जितो, है ना। जिसे मारलिस रे और हिलेगा तब फूट भी सकता है। तो फुर्स्टेनबर्ग, या इसको इस तरह से याद रखिएगा कि गणित में जो है ए बल, यहाँ पे ए बल लगा के वो मार रहा था, तो हिल रहा था, हिलते फिर फूट गया, है ना। तो मारगुलिस, है ना, मारगुली, तो हिलते हिलते फूट गया, क्या चीज, तो वही गुब्बारा, है ना। तो गणित का एबल पुरस्कार 2020, तो हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मारगुलिस। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020, ये है सादत रहमान। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति, देखिए बाल बुतरु जो छोटा छोटा बच्चा होता है वो कभी कभी जो है उनको थोड़ा सा कष्ट होता है तो काफी रोने लगता है, तो उसी लिए जो है उनको शांत करने के लिए, बाल को शांत करने के लिए जो है, जैसे देखिए उनको दर्द हो रहा है या फिर खुजली है, कुछ हो गया है, तो एक आपको पता होगा कि एक रहमानिया जो है तेल बिकता है ना बाजारों में, जो है ठेला वाला पे जो है आपको माइक द्वारा यानी कि बोल करके बेचा जाता है, तो वही जो है बाल को शांति करना है, कोई भी बाल अंतर्राष्ट्रीय बाल है तो बाल को शांति करना है तो कौन तेल, रहमानिया दर्दनाशक तेल, है ना। तो सादत यानी शांत हो जाएगा, फिर रहमानिया तेल लगाइए तो शांत हो जाएगा। तो सादत रहमान ये है कहाँ के, तो बांग्लादेश के, हो सकता है पूछ दे बांग्लादेश कहाँ के है, तो बांग्लादेश के। अब देखिएगा डैन डेविड पुरस्कार 2020 गीता सेन। देखिए डेविडवा जो है डेनी, डैन लिखा हुआ है ऐसे अगर उड़ा देंगे तो डेनी हो जाएगा, तो डेविडवा जो है डेनी सीखा ले गौची पढ़ के, गीता पढ़ के डेविडवा डेनी सीखा ले, तो डैन डेविड गीता सेन तो गीता से जो है सीखा ले गौची डेविडवा, तो डेनी बने लगी, है ना। देखते होंगे गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है डेनी, है ना। तो डेनी डेविड पुरस्कार यानी डैन डेविड पुरस्कार 2020 गीता सेन को। अब देखिए टाइलर पुरस्कार 2020, तो ये पवन सुखदेव, आपको पता है कि आप अगर किसी बाइक से या फिर किसी साइकिल से कहीं जा रहे हैं, अगर आपके साइकिल में या बाइक में अगर टायर में जो है हवा ना हो तो कितना दुख होता है आपको, पैदल चलना पड़ता है ना, खींच करके ले जाना पड़ता है। अगर वही जो है टायर में हवा हो पवन हो तो सुख देता है, क्या देता है, सुख देता है। तो टाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव, पवन के मतलब हवा, है ना, आपके टायर में हवा है तो आपको सुख देता है, आराम से बैठते हैं और चढ़ाते चल जाते हैं, है ना। तो टाइलर पुरस्कार 2020 पवन सुखदेव। आगे ध्यान दीजिएगा इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020, तो आर रामानुजन, इसको कैसे याद रखना है, इंदरवा में गिर गए थे कौन, गांधी जी जो है, जिसे अनजान जगह पे कहीं गए होंगे, रात बिरात में जा रहे होंगे तो इंदरवा नहीं दिखा होगा, तो इंदिरा यानी कुआं जिसको कहते हैं, लोग इंदिरा भी बोलते हैं ना, तो इंदिरा में गिर गए थे कौन, गांधी जी, तो कहा थी इनको ची हे राम बचा लो भगवान, इस तरह से ना आदमी भगवान का नाम लेता है, तो वही राम, तो रामानुजन, है ना, तो याद रखिएगा रामानुजन। जैसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 जो है आर रामानुजन, यहां से आपको याद हो जाएगा, याद यही रखना है, इंदिरा में गिर गए थे कौन गांधी जी, तो कौन जी कहते हैं, राम भगवान के नाम ले हलते, रामानुजन धरा जाएगा। आप देखिए
क्रिस्टल अवार्ड 2020 तो दीपिका पादुकोण, क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण ये अभिनेत्री हैं, क्रिस्टल अवार्ड इनको मिला है, क्रिस्टल अवार्ड मिला है किनको, दीपिका पादुकोण की। अब देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। अब देखिए आपको पता है 2020 में जो है कोविड-19 जो है काफी विश्व के लिए चिंताजनक था, तो आपको पता है कि एक अपने देश में भारत में एक रतन टाटा है ना, टाटा कंपनी के आदमी है, प्रमुख है जो रतन टाटा उनको कहते हैं, तो वो जो है इस लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो खाने के लिए तरस गए थे, तो इस दौरान जो है ये क्या कर, ये जो भी बता रहे हैं याद करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं याद कराने के लिए, ठीक है। ये क्या किए कि रतन जो टाटा जो थे वो काफी मजदूर को मदद किए, खाने पीने का सामान खाद्य पदार्थ जो है सगरो दिए, कौन, रतन लाल या रतन टाटा, क्या, तो विश्व खाद्य, तो इसीलिए जो है ये सबको खाद्य पदार्थ वितरण किए, तो इसीलिए इनको मिल गया क्या, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किनको, रतन लाल को, किनको, तो रतन लाल को। अब देखिए लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 तो उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 तो उषा मंगेशकर को, लता मंगेशकर पुरस्कार किनको, तो उषा मंगेशकर को। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं उसके बाद समाप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 तो एनएस धर्मसक्तू, है ना, एक कुष्ठ रोग में कार्य करने के लिए इनको मिला है। अब देखिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड तो सेफ विकास खन्ना, फिर जो है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 तो सोनम वांगचुक, फिर जो है पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 तो सिंह रंगराजन, फिर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार तो आपको बता दिए हैं स्वामी जी नाथ आ गए, कौन, परवीन सर, है ना, एडुटेरिया, और गणित का एबल पुरस्कार तो हिलेल फुस्टेलवर्ग, है ना, फुर्स्टेनवर्ग और ग्रेगरी मार्गोलिस, है ना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार तो ये सादत रहमान, फिर जो है डैन डेविड पुरस्कार 2020 तो ये गीता सेन, फिर जो है टायलर पुरस्कार पवन सुखदेव, फिर इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 तो आर रामानुजन, फिर जो है क्रिस्टल अवार्ड 2020 तो दीपिका पादुकोण, फिर विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 तो रतन लाल, और उसके बाद जो है लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 तो उषा मंगेशकर। चलिए दोस्तों तो आज का इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके लाइक करें।